हम सबको एक्चुअली मैं प्रॉब्लम से शुरू करना नहीं चाहती हूँ, बट काफ़ी बार शुरू प्रॉब्लम से ही करना पड़ता है तो हम सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। ये काफ़ी सालों पहले आर्ट ऑफ लिविंग ने इनिशिएटिव लिया था। अलग अलग तरह से हम ड्रग रिहैब कैंप्स चला रहे थे, हमारे काफ़ी स्कूल्स में ऑलरेडी चल रहा है, बट ये जो ड्रग फ्री इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ बिफोर एक साल पहले हमने शुरू किया कि जैसे जैसे पता चलता है यहाँ पे जो हाँ रिहैब है सब यूनिवर्सिटी वाले गुरुदेव के पास आते हैं और सब कह रहे थे कि गुरुदेव हमें कुछ करना चाहिए, हम ऑलरेडी कर ही रहे बट कुछ और ज़्यादा बड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ड्रग्स जो चल रहा है अभी ये हमारी पूरी नस्लों को बर्बाद करेंगे, अगर हमारे बच्चे अच्छे भी हुए तो उनके बच्चों का क्या। तो गुरुदेव ने सोचा कि चलो एक मूवमेंट बनाते हैं, एंड आई एम लकी इनफ के मुझ पे ये जिम्मेदारी दी कि पूरी टीम के साथ जुड़ के इस मूवमेंट को पैन इंडिया कैसे लॉन्च किया जाए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट 18th हम चंडीगढ़ में, 19th हिसार गुरु चंद्रेश्वर यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद पैन इंडिया लेवल पे अलग अलग स्टेट पे हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। अभी बाकी सारे स्टेट से हमारी पास रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमारे स्टेट में भी ऐसे लॉन्च कर दो। एंड इसमें मेन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जोड़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो चंडीगढ़ में हो ही रहा है, उसके अलावा पूरी इंडिया में करीब करीब 10,000 कॉलेज में ये प्रोग्राम लाइव होगा। और काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज से जब हम मिले बातें की तो संजू बाबा सबसे पहले आए, बोले मैंने जो भुगता है अब तक मेरी लाइफ में जो मेरे साथ हुआ है आई रियली विश कि और किसी के साथ ना हो। एक होता है ना विवेक बुद्धि होती है ना, एक होता है आग जल रही है तो आप आग में हाथ डाल के देखो कि गर्म है जल जाओगे, और दूसरा होता है कि आपको कुछ कोई बताते हैं कि भाई यहाँ पे हाथ मत डालो जल जाओगे। तो संजू बोलता है मैं तो जल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब दूसरे नहीं जले। तो ये सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, आमिर खान जी है और बाकी सब, वरुण धवन है, रवीना टंडन जी है, परिणीति चोपड़ा है, सोनाक्षी सिन्हा है, एवरीबडी सेड यस वी आर विथ यू, और हम चाहते हैं कि इसको बहुत बड़ा करें आपके साथ मिलके, क्योंकि गुरुदेव का रीच, हमारे गुरुदेव पूज्य श्री रविशंकर जी का रीच पूरे वर्ल्ड में है, तो इंडिया में सारे हमारे जितने भी सेंटर्स हैं उस सारे सेंटर्स में हम कैसे इस तक ड्रग फ्री इंडिया को पहुंचाएं। हर कैंपस हम चाहते हैं ड्रग फ्री कैंपस हो, जितने भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी हैं हम चाहते हैं वो ड्रग फ्री हो, वो अल्कोहल फ्री हो, वो स्मोक फ्री हो, इट शुड बी हेल्दी कैंपस। एंड इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है दैट्स कॉल्ड स्वॉट क्लब, सोशल वेलनेस एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग क्लब, जो हम चाहते हैं हर कॉलेज इम्प्लीमेंट करे। अभी हम बहुत सारी कॉलेजेस के साथ MOU कर रहे हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग और कॉलेजेस दोनों एक अंडरस्टैंडिंग पे आए कि ये जो स्वॉट क्लब है वो क्या करेगा। स्वॉट क्लब बच्चों से ही बना हुआ एक क्लब है जिसके अंदर हमने दो लेवल ए और लेवल बी पे है। लेवल ए ये है कि जो लोग ऑलरेडी ड्रग में है, किसी ना किसी वजह से उन्होंने शुरू किया है, तो उनके लिए हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं। और दूसरा जो लेवल बी कहते हैं, जो अभी कृपा से बहुत कम है कि वो जा सकते हैं ड्रग में, उसकी तादाद ज़्यादा है कि अभी इतने लोग ड्रग में इंडिया में नहीं गए हैं, उनके लिए हम कुछ और प्रोग्राम्स कि उनका मन स्ट्रांग हो, अपने अंदर वो रस हो ना कुछ सोशल सर्विस करे। ज़्यादातर क्या होता है हम अपने में ही उलझे रहते हैं, स्पेसिफिकली बच्चों को ना अगर आप एज अ फादर और मदर डांट देते हो या कोई चीज़ जो उनको चाहिए वो नहीं मिलती है वो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, उनको दिल पे लगा लेते हैं
और यही उनकी डिप्रेशन की शुरुआत होती है। काफ़ी बच्चे कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते कि उनको भीतर जो है किसको बताए, तो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स जो करते हैं वो करने लगते हैं, इजी वे आउट ये है। तो इसके लिए हमने अलग से प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किए जो स्वॉट क्लब के माध्यम से, और ये सारी जिम्मेदारी वही बच्चों के ऊपर होगी जो स्वॉट क्लब के वॉलंटियर होंगे, और वही स्वॉट क्लब के वॉलंटियर पूरी कॉलेजेस में ये पूरा मैसेज स्प्रेड करेंगे कि ड्रग फ्री इंडिया हमें कैसे बनाना है। सो आज तक हमने ड्रग फ्री के लिए जितना भी काम किया है, मैं हमारे अमृत प्रिंस जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बताए कि हमने क्या काम किया है। गुड मॉर्निंग आर्ट ऑफ लिविंग ने 2009 और 10 में, दो तीन सालों में, 11 तक अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से 16,000 लोग ऐसे थे गांव गांव में जाके जिनको हमने टच किया, जिनको हमने कोर्सेज करवाए, जिनको हम जा जा के मिले, जिनको जैसी भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए थी वैसी वैसी हेल्प हमने वहाँ पे जाके रीच आउट करके उनको दी। उसके बाद 2012 में SPYM अपने चंडीगढ़ में हमारे टीचर्स जिन्होंने इनिशिएट किया, हमारे टीचर्स हैं मोहिनी जी, सुनीता सिब्बल जी, संदीप जी, इन्होंने इनिशिएट लेके अराउंड 500 रिहैब में रह रहे पेशेंट्स की हेल्प करी, और उनमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिहैब से निकल के अपने दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं। उसके बाद एक हमारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ प्राण। प्राण प्रोग्राम क्या था कि प्रोग्राम फॉर रिलीज एडिक्शन नेचुरली। वो प्रोग्राम के रिजल्ट इतने अच्छे थे कि जैसे WHO की रिपोर्ट है कि 4-5% रेशो है जो लोग एक बार एडिक्शन में जाने के बाद निकल सकते हैं, बट हमारे प्रोग्राम में हमने अपने प्रोग्राम के जो रिजल्ट देखे वो 30-40% रिजल्ट उसके आए कि जिसमें जो लोग एडिक्शन में चले गए वो वापस ये प्रोग्राम करने के बाद और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गए। तो ये सबको देखते हुए हमने 2016 में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर अपना शुरू किया जलंधर में, पंजाब का, पंजाब को सेंटर प्लेस लेते हुए। तो 2 साल के लिए हमने वो ये रिहैब चलाया जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट आए और ऐसे नामी लोग आए जिन्होंने आके रिहैब करवा के वहाँ पर अपने दोबारा उस नॉर्मल लाइफ में आने में उनको सपोर्ट मिली। और अभी जो गवर्नमेंट के रिहैब हैं, जो गवर्नमेंट ने अभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जो पूरे पंजाब स्टेट के अंदर किया है, हमारी गवर्नमेंट के साथ अपना एक 1-to-1 टॉक चल रही है जिसमें हमारे जितने टीचर पूरे पंजाब में प्राण के जो ये प्रोग्राम ले रहे हैं वो हर एक रिहैब में अंदर जाके ये जो जो एडिक्ट जो लोग वहाँ बैठे हैं उनकी सपोर्ट के लिए सब लोग जाके वहाँ पे प्रोग्राम करवाएंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे। और ये हमारा फ्यूचर प्लान है। ओलिन जी और सर इवेंट के बारे में बताएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा DP सिंह सर जी को थोड़ा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इवेंट के बारे में थोड़ा ब्रीफ दें। गुड आफ्टरनून। हम इस प्री लॉन्च के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एंड दिस इज अ वेरी वी आर गोइंग टू बी fighting for a cause and cause where we can rehabilitate and protect our youth, hamari naslein jaise ki madam ne bola hai future ke liye. To ye shuruaat is movement ki Punjab se jo ho rahi hai isse behtar kya ho sakta hai ki kyunki Punjab ne hamesha hi kisi bhi badi revolutionary movement ke liye dilo damaag ke sath madad ki hai और फ्रंट रनर रहे हैं पंजाब एज अ स्टेट, वेदर इट इज़ अ फ्रीडम मूवमेंट, वेदर इट इज़ अ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड नाउ फॉर दिस ह्यूज ह्यूज मूवमेंट विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी। हम अपना ये सौभाग्य मानते हैं, आई थिंक वी आर ऑनर्ड, वी आर रियली प्रिविलेज कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इसके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए एक मौका मिल रहा है। हम एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को इसमें पूरी मदद करेंगे टू गेट यू नो पंजाब फ्री ऑफ ड्रग्स एंड द नेशन फ्री ऑफ ड्रग्स एंड वी विल पार्टिसिपेट विद इट। इट्स अ बिग इवेंट है, काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस हमको मिली हैं, एक बहुत ज़्यादा जोश यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ हुआ है कि ये यहाँ से हमारे ग्राउंड से और वो भी घड़ुआ से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ुआ हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू
in this part of the world, in Punjab, whether it is Mahabharat or Guru Tegh Bahadur. So, वहाँ से अगर ये शुरुआत हो रही है तो इसको definitely success मिलेगी. So, we feel really honored to participate and feel proud of it. Right. Thank you. Paulomi ji will tell our state teacher coordinator Paulomi ji. She will explain something about blood field. अभी अभी क्या हो रहा है states में? तो ये बात तो ये सच है कि हमारा बहुत सौभाग्य है कि गुरुदेव इस पावन धरती पर आ रहे हैं और इतनी बड़ी जो मोहिनी सर ने बोला कि वो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन द फोर रनर द पायनियर ऑफ एवरीथिंग दैट द बेस्ट थिंग्स दैट हैज हैपन टू आवर कंट्री राइट वेदर इट वॉज Guru Gobind Singh, whether it was the Green Revolution, we are the Green Goal of India. Every movement, the freedom fight, Punjab has been the forerunner. And once again, itni badi jo aaj drug-free India ki muhim, ek foundation lay karne ke liye, ek danka bajane ke liye, Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji aa rahe hain, Punjab mein aa rahe hain, Chandigarh University mein aa rahe hain, aur hazaron log isme lage hue hain, isko अच्छे से सक्सेसफुल करने के लिए तो इसके तहत गुरुदेव पधार रहे हैं चंडीगढ़ में मोहाली में 17 फरवरी को ही वो आ जाएंगे और 17 फरवरी को एक गुरुदेव के साथ एक वार्तालाप एक कनेक्टिंग हार्ट्स एक सुंदर सा सत्संग हमने रखा है सबके लिए ओपन टू ऑल इसका वेन्यू है सेक्टर 68 मोहाली ये है डिस्ट्रिक्ट 1 VRS ग्राउंड नेक्स्ट टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मोहाली ऑफिस तो वहाँ संध्या 5:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा गुरुदेव आएंगे वहाँ थोड़ा यू नो म्यूज़िक होगा मेडिटेशन होगा गुरुदेव कुछ बढ़िया नॉलेज देंगे हम सबको सो वी वेलकम ऑल ऑफ ट्राई सिटी टू कम ऑल ऑफ पंजाब टू कम उसके बाद 18 फरवरी 11 बजे से 11 AM onwards, we are going to do the launch of Drug Free India. जिसने जैसे हिमा जी ने कहा कि गुरुदेव होंगे वहाँ हमारे His Excellency Governor of Punjab होंगे श्री वी पी सिंह बदनौर as Chief Guest और of course संजय दत्त जी कपिल शर्मा जी बादशाह who is a very famous rapper and very famous amongst youth. They will come and share their story, their views, and you know they will make all the youth aware about the ills, the menace that drugs can do to their life. That honestly, drugs is not the solution to any problem. There are other ways where we can get high on life, and that is the forte of Art of Living. That is the forte of our Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji's absolute brilliant knowledge for the youth. So that is what is going to happen and we are also holding a event at PGI unka jo nursing college ka hall hai wahan par hum ek 3:30 baje se leke 5 baje tak wahan event hoga jahan par sare doctors bhi aayenge wahan par aur it is called the wellness and yoga conclave wellness and yoga conclave at PGI national institute of nursing association एंड टाइम इज़ एट 3:30 PM तो बहुत सुंदर मौका है और यहाँ पे ये किस्सा ख़त्म नहीं होता आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू शेयर विद यू ऑन बिहाफ ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली दैट वंस अगेन गुरुदेव की इस पावन धरती पर गुरुदेव फिर से अपने चरण रखेंगे और इस बार ज्ञान की वर्षा के लिए तो एक बहुत पुराना ज्ञान है जैसे हमारे भगवत गीता है जैसे हमारे योग वशिष्ठ है पतंजलि जी के योग सूत्र है अष्टावक्र गीता है वैसे एक ग्रंथ है इट इज़ कॉल्ड द विज्ञान भैरव विज्ञान यानी साइंस एंड भैरव इज़ द कॉन्शियसनेस तो हम अपने शरीर के बारे में बहुत जानते हैं मन के बारे में भी जानते हैं मगर हम बोलते हैं आत्मा परमात्मा पर इसके बारे में इतना ज्ञान हमें है नहीं तो ये गुरुदेव सिर्फ ज्ञान नहीं देने आ रहे हैं
दो दिन दैट इज 16 और 17 मार्च जरूर नोट करें ये दो दिन. मैं चाहूँगी हर एक व्यक्ति जो सांस ले रहा है, जो अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर इस प्रोग्राम को अटेंड करें. जो आर्ट ऑफ लिविंग का कोई कोर्स नहीं किया है वो ज़रूर आए पहली बार, और गुरुदेव उसमें खुद मेडिटेशन के टेक्निक्स हमको सिखाएंगे. एंड यू नो देर आर 112 टेक्निक्स. इट इज सेड देर इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन शिवजी एंड पार्वती, वे शिवजी रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियसनेस, द परम, द ज्ञानी, एंड Parvati is the seeker. So we are all seekers of knowledge, isn't it? This is the only program which Gurudev himself teaches. Baaki Art of Living ke jitne programs hote hain, uske liye sab teachers hain. Hima Didi, Prince Bhaiya, humare yahan pe bhi aaj bahut senior teachers sab baithe hue hain. और वो सब है, मगर ये एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो गुरुदेव स्वयं सिखाने वाले हैं 16 खुला हुडा ग्राउंड पे. तो डोंट मिस इट. एंड उसके सारी क्वेरीज के लिए हम वी आर ऑलवेज अवेलेबल. प्लीज गेट इन टच विद अस. सो लेट अस स्टार्ट द सेलिब्रेशन. इट बिगिंस टुमारो एज गुरुदेव अराइव्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क अस. एंड आई नीड वन हेल्प फ्रॉम ऑल माय मीडिया फ्रेंड्स दैट वी वांट टू हैव दिस बिग मूवमेंट फॉर प्लेज टेकिंग. तो हमारा एक प्लेज नंबर है, इफ़ यू कैन नोट डाउन, दैट इज़ 0222-8444-808. दैट इज़ 0222-8444-808. जहाँ पे आप इट्स कॉल, वी कॉल इट प्लेज कॉल. तो अगर आप प्लेज करना चाहते हो कि ड्रग्स ना करूँगी, ना करने दूँगी, ये हमारा प्लेज वर्ड है कि हम ड्रग्स और इफ़ यू आर मेल यू कैन से ड्रग्स ना करूँगा, ना करने दूंगा. तो अगर आप ये प्लेज लेना चाहते हो, जितने भी लोग ये मूवमेंट में जुड़ना चाहते हैं, एक ये प्लेज के साथ सेल्फी ले ले. हमारी वेबसाइट है drugfreeindia.org.in. आप सेल्फी लेके कि मैं भी इस मुहिम में जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ, इस पे डाल सकते हैं. एंड प्लीज़ कॉल अस. सो प्लीज़ आप अपने दर्शक मित्रों और वाचक मित्रों को बताएं कि ये मूवमेंट में अगर आपको जुड़ना है तो आप या तो ये वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए या ये प्लेज नंबर लीजिए. तो हमें भी पता चलेगा कि पूरे इंडिया में कितने लोग जुड़ना चाहते हैं. और जैसे कहा, अभी हमारे पास करीब करीब 3,500 कॉलेजेस का कन्फर्मेशन है जो उसी दिन 18 और 19 को लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे. और थैंक यू सो मच आने के लिए. और आप प्लीज़ अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. हमारे पास कुछ टूल्स है. एक तो जैसे मैंने आपको कहा, हम स्वॉट क्लब चलाएंगे हर कॉलेजेस में मैक्सिमम, इसीलिए हमारा अभी मेन फोकस कॉलेजेस है. दूसरा गाँव में जो है, गाँव में जो कॉलेज ड्रॉप आउट या स्कूल ड्रॉप आउट है, उसमें हमारा एक अभियान चल रहा है, प्रोजेक्ट भारत, जहाँ हर गाँव में हमारे टीचर्स जाके वहाँ प्रतिनिधि बना रहे. तो यही प्रोग्राम हम गाँव में ले जाएंगे. इसके साथ अवेयरनेस और रिहैब के कुछ टेक्निक्स हैं. देर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़. जैसे एक, जैसे मैंने कहा, पीयर प्रेशर होता है. जिस पीयर प्रेशर से वो ड्रग्स लेते हैं, फैमिली सपोर्ट कैसे करे, फैमिली को काउंसलिंग करना, टीचर्स को काउंसलिंग करना, फ्रेंड्स को काउंसलिंग करना, और इस सब के साथ उनको क्रिएटिव एंड फिटनेस एक्टिविटीज़ में ले जाना, ये सब हमारे आगे की मूवमेंट के प्लान्स हैं. आर्ट ऑफ लिविंग का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है बैंगलोर के अंदर. दूसरा है हमारा कैलकटा के अंदर, जो 2003 से चल रहा है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रिहैबिलिटेशन पेशेंट आके अटेंड करके वहाँ पे ठीक होकर जा चुके हैं. अभी भी उससे बढ़ती. थर्ड थिंग, जितने गवर्नमेंट के रिहैब हैं, अराउंड 32-33 रिहैब यू नो अंडर गवर्नमेंट इज वर्किंग राइट नाउ. सो वी आर सपोर्टिंग ऑल द रिहैब सेंटर. We have trained teacher who will go and who will work there. Punjab, Haryana,
there are multiple approaches. अगर इंडिया का कुछ अपना आ रहा है तो हम लोग अभी भी जो भी हमारे पास जैसे हिमाचल से हमारे पास यहाँ से जहाँ से भी आते हैं ना, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं जो जा सकते हैं वहाँ पे हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है बैंगलोर के अंदर, दैट इज वर्ल्ड क्लास सेंटर. जो लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं तो गवर्नमेंट के रिहैब में जो उनको स्पिरिचुअल इंटरवेंशन चाहिए वो हम लोग उस रोल को प्ले करके उनको सपोर्ट करेंगे. एक है कि मेडिकली हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, दूसरा है कि स्पिरिचुअली उनको मेडिकली उनको थोड़ा हील करके उनको डिटॉक्स करके उसके बाद स्पिरिचुअली जो उनको मिलना चाहिए वो इंटरवेन करके उनको बाहर लेके आते हैं. तो पंजाब के लोगों के लिए पंजाब के जो सेंटर हैं गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, बहुत ही यू नो कम प्राइस में और सेंटर जो है लोगों को टेक केयर कर रहे हैं. हम लोग स्पिरिचुअल इंटरवेंशन से उनको हील करके वापस लाने में सपोर्ट करेंगे. जी हां, बार-बार एक सवाल होता है कि पंजाब को इस मामले में बदनाम किया जा रहा है. जी आप ये मानते हैं कि पंजाब को इस बारे में ज्यादा बदनाम किया जा रहा है क्योंकि ड्रग्स का तो ड्रग्स की समस्या तो ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट के अंदर ही है. तो इसीलिए ये जो इनिशिएट लिया गया है नो डाउट कि पंजाब को इसलिए ज़्यादा ये किया जाता है क्योंकि बॉर्डर लाइन पे हैं हम लोग और बॉर्डर पे बैठे हैं और सारे जो कुछ भी चल रहा है सब इसकी वजह से. यू आर वेरी राइट कि है तो पूरे वर्ल्ड में, पर वर्ल्ड में इतना हाईलाइट नहीं होता जितना हमारे यहाँ पे इतना ये हो रहा है. और ये जो इनिशिएट लिया गया इसीलिए पूरे इंडिया के अंदर जिस स्टेट के अंदर ये दिक्कत आ रही है उसको सपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएट एक प्लेटफॉर्म इसीलिए क्रिएट किया गया है कि जहाँ पे दिक्कत उसको एक. और पंजाब से इसीलिए हो रहा है कि पंजाब के अंदर जो पॉजिटिविटी है जो लोगों के अंदर एक बैलर है, तो अगर यहाँ से इनिशिएट लिया जाए तो पूरा स्प्रेड आउट बड़ी जल्दी होगा और लोगों को एक एग्जांपल आएगी. मैं काफी सवाल करना चाहता हूँ, ये ड्रग्स में जो नौजवान चले गए आप उसका रीजन क्या मानते? देयर आर सो मेनी थिंग्स जैसे जो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जितने लोग पास आउट होकर जा रहे हैं उनके लिए आगे फैसिलिटीज़ नहीं है या उनके लिए जॉब नहीं है. दूसरा देर आर सो मैनी ट्रिगर्स क्या हैं कि सबको बड़ी जल्दी राइज करना है, सबके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, सबको फैसिलिटीज चाहिए. रिलेशनशिप एक अनदर एक इशू है. तीसरा घर जैसा इन्वायरमेंट है. चौथा करियर है. देर आर सो मैनी थिंग्स. तो जो जिस सिचुएशन में है जो भी ट्रिगर उनको तब प्रेशराइज करते हैं वो एक रीज़न है कि वो एडिक्शन के अंदर चला जाता है. बट सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे एडिक्शन के ऊपर. जैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ट्रिमेंडस अच्छा काम कर रही है, अपनी पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं. श्री श्री का एक विजन था कि हमें एक प्लेटफॉर्म में सब लोगों को इकट्ठे करके कुछ बड़ा करना है. दैट इज़ वाई दिस मूवमेंट स्टार्टेड. एनी अदर क्वेश्चन? So we conclude this very great initiative and we need all your full-hearted support. And एक तीन बार ओमकार करते हैं हमारे जो भाई शहीद हुए हैं फुलनावा में, उनके लिए एक तीन बार ओमकार करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम एक मिनट मौन रखें और तीन बार ओमकार करते हैं. ईश्वर हमारे सारे जवान भाइयों को, शहीदों की आत्मा को शांति प्रदे, ऐसी प्रार्थना. थैंक यू सो मच.